खाते में, सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जांचें कराती कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों का पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, दुर्भाग्य इस बात का कि आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है, ये बहुत बड़ी तकलीफ। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे लोग, हमारे नेता जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। MD इसमें डोडा पोस्ट, इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा, नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई। मनवाई कि नहीं मनवाई आपके सामने, तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिया, मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, आज दो ही समाज आपस में लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जाट समाज के बच्चे अपने समाज के बच्चों की हत्या कर देते हैं, और दूसरा गुर्जर समाज है जो आपस में मर्डर करता है। भाइयों, एक बात का प्रण लो तेजादशमी के दिन कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे हाजी साहब बैठे बासनी से, ये बासनी गांव जो है, अच्छा खड़े होकर आप, आपके गांव के अंदर वोट है 25,000, आबादी कितनी है 60,000, आज तक मर्डर तो नहीं हुआ आपके गाँव में? नहीं करते, ये बहुत होशियार है, ये रुमाल से लड़ते हैं। देखो ऐसे रुमाल से, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती है। तो अपने भी अगर गुस्सा है, पानी पी लो, लड़ाई करनी हो, रुमाल से लड़के फिर राजीनामा कर देंगे, आधे मिनट में हम आई जाएंगे सब जगह से, आप चिंता क्यों करो। लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है, लड़ाई दो ही जगह लड़नी है, या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल को, मार्शल ऐसे नहीं कहला है, मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी, अगर हमारी जमीन पर कोई कब्जा करे तब हमारी जान भी चली जाए, तब हम भारत माता के लिए लड़ रहे हैं तो खुद की जमीन के लिए लड़ेंगे। तो भाइयों, ये दो संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है मजबूती से कर रही, और लोगों को आप इस समिति के अंदर जोड़े, हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं, MP MLA सारे भाई हमारे, इसलिए इनको मैंने कहा, समिति के अध्यक्ष जी को मैंने कहा, आप तो कार्ड में नाम वाम किसी के मत लिखाओ, आप तो एक कार्ड ये भेज दो, जिनको आना है आए, उसका स्वागत सत्कार है, वो अपनी बात यहाँ रख सकता है। एक चीज़ मैंने और देखी, यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको रखने दो बात, अगर तेजा जी के यहाँ अपने समाज का आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या शेरगढ़ में जाकर रखोगे? ये तो बता दो मुझे, कोई बात तो रख सकता है। हर नौजवान को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ी स्पीड को कम ज़्यादा करने और ज़्यादा लोग माहौल देख के काम करें। यहाँ तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, जो अभी तो अपन सब एक कामना करें। कोरोना के अंदर किस तरह मौतें हुई आपने देखा होगा कि सेकंड कोरोना की लहर के ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमने बच्चों को दम तोड़ते देखा। कहाँ गई भाजपा, कहाँ गई कांग्रेस, जब हमारे बच्चे मर रहे थे, कोई आएगा संभालने के लिए आपको? हम, हमारे पे भगवान की कृपा थी, तेजा जी कृपा थी, कोरोना से मुक्त हुए। अब हमारी गाय मर रही है, गाय को बचाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद को ही मेहनत करनी है। भाइयों, संस्कृति को बचाना है, समाज को बचाना है, व्यवस्था को बदलना है, और ऐसी व्यवस्था लानी है राजस्थान के अंदर कि जहाँ सबसे बड़ी आबादी होते हुए किसान कौम अपनी सत्ता नहीं लेके आई। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, रोने से कोई सत्ता नहीं देता। अगर मैं लड़ता नहीं तो अभी तक मैं भी किसी कोने में पड़ा रहता। मैं लड़ा, मैंने मेरा परिवार खो दिया, मेरी जिंदगी खो दी, मेरी नींदें खो गई। 5 बजे आके सोता हूँ, 9 बजे उठ के चलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पापा पापा करते हैं। हर आदमी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस कौम को दोबारा मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेरे विरोधी भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि एक बार आधा घंटे मन से ये सोच रहे हैं कि हनुमान जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई आज से पहले किसी ने लड़ी थी क्या, या आगे भी लड़ सकता है? पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और जिसके खिलाफ लड़ा, जिसके खिलाफ लड़ा, चाहे वो कितना भी बड़ा था, उसे उसका अंजाम तक पहुंचाया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया, और कई लोग जो बदमाश थे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया राजस्थान के अंदर, दिखाया कि नहीं दिखाया। इसलिए आप लोग हिम्मत रखें, प्रयास करें। इसी तरह जैसे छोटे भाई ने बताया
कि आने वाले समय तक हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी अध्यक्ष है, मैं भाई दोनों हमारे हरिंदर और बांता दोनों बैठे, बच्चे दोनों चुनाव लड़े मजबूती से, लेकिन जोधपुर की जो हार है इसकी थोड़ी सी पीड़ा हम सबको दिखाई दे रही है और हम सब थोड़े व्यथित हुए थे, लेकिन हारना चलता रहता। हम तो समाज के अंदर पैदा हूँ जो हमेशा लड़ता ही, हमारे को जीत कभी नसीब नहीं, जीत हो भी जाती तो भी संघर्ष करना पड़ता। छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं, आगे तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम लोग मजबूती से जुड़ो, जुटो, कि प्रदेश देख रहे हैं, देश देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ जैसे नौजवानों को आत्म राजस्थान की सत्ता हो। भाइयों आसाम का उदाहरण देना चाहता हूँ, एक बार आसाम में छात्र आंदोलन हुआ था बड़ा, 25-30-40 साल पहले की बात है, और छात्र आंदोलन ऐसा हुआ, ऐसा बिगुल बजाया कि मुख्यमंत्री बना था 30 साल का और सारे सारे लड़के बन गए 25 साल के, विधायक मंत्री भी बने, सारी पार्टियों को घर बिठा दिया। नौजवान जब मचलता तो सत्ता पे कब्जा कर लेता है। हर क्रांति का मुखिया नायक देश का नौजवान था, भगत सिंह 23 साल के थे, तांत्या टोपे मंगल पांडे ने जो लड़ाई लड़ी उनकी छोटी उम्र थी, हनुमान बेनीवाल नौजवानों को साथ लेके, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मुझे ही पता है, और मंत्री पद मेरे लिए कल तैयार है। मैंने आगे लड़ाई छोड़ दी तो लोग ये कहेंगे लो आप पड़ा, वो भी गया जो चिल्ला था लास्ट, वो भी चला गया, क्योंकि मेरे नीचे तो बहुत ज्यादा जा चुके पहले भैया जयकारे करके। देखा मैंने लोगों की ताकत में, लोगों के अंदर एक पुलिस की गाड़ी घर पर आ जाती है और एक 17 सीसी का नोटिस देते तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, घर वालों को और ले जाते साथ में, इसकी तरफ ध्यान दो बच्चा छोटा है। ये लड़ाई हमने देखी, इसलिए डर नहीं लगता। और बड़े बड़ी लड़ाई इस कौम के लिए लड़ी, किसान के लिए लड़ी, पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, विधानसभा की थी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और यहाँ से एक मैसेज करनाल से पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, एक पर्यटन सर्किट बने, और दिल्ली के अंदर भी हम प्रयास करेंगे कि तेजाजी महाराज के इस हमारे करनाल मंदिर सुरसुरा इनको राष्ट्रीय महत्व और इनको पर्यटक स्थल दिल्ली की सरकार भी घोषित करे। प्रयास मेरी तरफ से पूरे रहेंगे, राजस्थान में भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है प्रयास करते करते आप खुद की सरकार बना लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बना लोगे सरकार अपनी, ऐसा लग रहा है। तो जब सरकार खुद की बन जाए तो रात को बैठ के रातों रात कर लेना, क्योंकि काम करने को मना कर रहा है क्या? तो सरकार जो होती है सबको, ये डिप्टी साहब अभी जो चल रहे हैं ये तो आपकी ताकत के साथ है, जब सरकार बन जाएगी खुद ही काम करते रहेंगे, आगे जैसे चाहे कर लेंगे, दौड़ रहे हैं सारे। देखा आपने, ये सब इसलिए है कि ये भी उत्साहित हो रहे हैं। ये भी जो अधिकारी राजस्थान का, वो मुझे कहते हैं कि हनुमान जी क्या खाते हो आप? मैंने कहा मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी और दाल, बताओ क्या चलते कैसे हो? मैं कहूँ भगवान की कृपा, मेरे आज तो मैंने सुबह तो खाना भी नहीं खाया, तो ऐसे नहीं कह रहा नहीं खाया खाना, सीकर से चला हूँ, आते आते अभी बेरासर जाऊँगा, 700-800 किलोमीटर 900-1000 किलोमीटर की फ्लाई हो जाएगी हवा के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की कि रामदेव जयंती और तेजाजी की जयंती दोनों, आज तेजाजी महाराज और रामदेव जी महाराज का जो बड़ा दिन त्यौहार आज है, और रामदेव जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के मेघवाड़ भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, और वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किसान कौम को जगाया और गौ माता का महत्व समझाया, गाय को अपने प्राण से ज़्यादा माना। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, मैं बधाई देता हूँ आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को और देशवासियों को, और इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान के लिए लड़ा, जवान के लिए लड़ा, बदमाशों के खिलाफ लड़ा, बेमुक्त अपराध भ्रष्टाचार के लिए लड़ा, और आगे भी आप सबके लिए मेरा संघर्ष हमेशा रहेगा। मैं समिति को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय मिला नहीं, कोरोना आ गया था, मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, समय समय पर आपसे बात भी करता रहूँगा, और आप तमाम अपने समाज के जितने भी नेतागण हैं उन सबको भी समय समय पर खरनाड़ बुलाएं। मैं तो ये भी कहता हूँ, रुपए पर हमारे एक दिक्कत क्या है कि झंडे की राजनीति है, ये कांग्रेस का झंडा है, ये भाजपा का, ये आरएलपी का। अगर झंडे की राजनीति हो और किसी को लगे कि भाई मंच पर साथ नहीं बैठे, विधानसभा लोकसभा में हम सब साथ ही बैठते हैं, नेता हम सब साथ हैं, पब्लिक लड़ती रहती है, यही सही है, सारे चाय पानी डिनर लंच साथ करते हैं, आपको किसी के लड़ना नहीं। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, कई जगह मैं देखता हूँ अच्छी व्यवस्थाएं लोगों ने कर दी, लोग कहते हैं साहब आज आरएलपी वालों का है, कल बीजेपी वालों का, परसों कांग्रेस वालों का, सही है ना? झगड़ा नहीं क्यों सरपंच साहब? मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ लगे हैं, एक मेरे एमएलए रहते हुए भी
एमपी रहते हुए हमेशा खरनाड़ गांव वालों ने एक ही बात कही कि आपसे तो कभी भी ले लेंगे। मेरा सेव तो हमेशा रहेगा ही। 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए, जैसा ही एक बार बता दें, वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। और एमएलए साहब आपके बैठे हैं, आजकल तो एमएलए का बजट एमपी से ज़्यादा कर दिया अशोक गहलोत ने। इनके भी 5 करोड़ रुपए पर साल आता है, हमारा बजट मोदी ने छीन लिया 2 साल का। हमारा दिल बड़ा है, इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूरी भी करते हैं उनको। तो हम दोनों मिलके, आप बता दें, प्रधान भी आपके बन गए, अब तो सारा राज आपका है और तेजाजी महाराज अपना है और देश अपना है। आगे बढ़ो मजबूती के साथ और समझ के साथ, हम सबको आगे बढ़ना। ये तमाम इन छात्र नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग इस राजस्थान को संभालो। सारे सारे विधायक बन जाओगे आने वाले समय में, कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट कौन पूछता, गणेश जी बनता है, विधायक कौन बनता है, एमपी कौन बनता है। मेरे पास जयपुर के अंदर कोर्ट है, उसमें 20 यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, कह रहे नमस्कार मैं उस समय अध्यक्ष था। अध्यक्ष को नहीं पूछते, अध्यक्ष बाद में विधायक सांसद बन के आगे काम करता नहीं करता, उसको पूछते हैं। तो आपके लिए तो इतनी बढ़िया जाजम बिछी हुई है, हिम्मत चाहिए, कूद पड़ो इसके अंदर। मैं भी तो अकेला ही कूदा था, जब मैं कूदा था तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये तो मंत्री बन जाते। अरे मेरी सोच ही नहीं मंत्री की, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा कि राजस्थान की सत्ता पर किसान कोर्ट का कब्जा होगा और तेजा जी का जयकारा इस देश और प्रदेश के अंदर वापस लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।